दोस्तों अगर आप भी कुलदीप यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें दिल्ली की टीम भी शुरुआत बेहतरीन करी लेकिन धीरे धीरे परेशान होती नजर आई। लेकिन अब दिल्ली की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली का पंजाब के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें कुलदीप यादव और अक्षर पटेल का तूफान आया। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आखिरकार कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने क्या कारनामा किया। लेकिन उससे पहले कुलदीप यादव और अक्षर पटेल में कौन है बेहतरीन गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2022 के 32वें मुकाबले में आईपीएल की दो बड़ी टीम दिल्ली और पंजाब आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी, जिसमें पंजाब की कप्तानी मयंक अग्रवाल ने की तो दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत ने करी। दिल्ली की तरफ से कोरोना का खतरा होने के बावजूद मुकाबले में सबसे पहले दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पंजाब की टीम को आमंत्रित किया, जिसमें पंजाब की शुरुआत बहुत ही ज्यादा बेकार हुई और ओपनिंग करने आए मयंक अग्रवाल और शिखर धवन जल्द ही आउट हो गए थे, जिसमें शिखर धवन 9 बनाकर, तो आपको बता दें कि कप्तान मयंक अग्रवाल 24 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद जॉनी बेरस्तो ने भी 9 रन बनाए और आउट हो गए और पावर प्ले में पंजाब की टीम ने 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए और उसके बाद लगातार विकेट पर विकेट गिरते चले गए। और अक्षर पटेल ने सबसे पहले 5वीं ओवर में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे लियाम लिविंगस्टोन को 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट कर दिया, तो वहीं 13वें ओवर में एक तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे जितेश शर्मा को 23 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 33 रन बनाकर आउट कर दिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी तोड़ दी। और अगले ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए रवाडा को कुलदीप यादव ने बहुत ही बुरी तरीके से 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट कर दिया। और वहीं इसी तरीके से आपको बता दें कि इसी ओवर में कुलदीप यादव ने अभी और ज्यादा खतरनाक हुए और नॉथन एलिस को 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट कर दिया और एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए, तो वहीं दोनों ही गेंदबाजों ने इतनी जबरदस्त गेंदबाजी करी कि जिसके सामने पंजाब के बल्लेबाजों की एक ना चली। और दिल्ली की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 ओवर में गेंदबाजी करी और 6 की इकोनॉमी से 24 रन देते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट एक ही ओवर में हासिल किए, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 2.5 की इकोनॉमी से 10 रन दिए और इसके बाद 2 बड़े विकेट अपने नाम किए और इस मुकाबले में ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर सभी हैरान हो गए और दिल्ली के 2 फिरकी गेंदबाजों ने पंजाब की टीम को बुरी तरह से मुकाबले में पीछे ढकेल दिया। दोस्तों अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की गेंद को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।